नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आज हम एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करेंगे। तो अभी आपके सामने ही इस प्लांट को लुचनिला रोजिया एंड विनका रोजिया इनका लेटिन नेम है। इंग्लिश में इसे पेरियंकिल कहते हैं और संस्कृत में इसे सदाफुली कहते हैं। हिंदी में इसे सदाबहार एंड बारहमासी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लांट को कैसे देखभाल करते हैं वो हम सबसे पहले शेयर करते हैं। तो जितना भी हमारे फूल वाले प्लांट्स होते हैं तो उस प्लांट को धूप अच्छे से मिलना चाहिए ताकि उनकी जो ग्रोइंग है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। पानी की हम बात करेंगे, इसमें ऊपर की मिट्टी ड्राई होने से हम इसको पानी देनी है। ओवर वाटरिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसकी हम फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र में हम इसमें वर्मी कंपोस्ट इसके मिट्टी के ऊपर जो हमारी किचन वेस्ट से हम जो बनाते हैं उसको हम 20-20 में इसकी मिट्टी के ऊपर हम डाल सकते हैं। हमारे पास विनका की आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कि दो वेराइटी हमारे पास अभी अवेलेबल है और इनकी जितना भी वेराइटीज़ होती है वो इनकी सारी वेराइटीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। इनकी हम बात करेंगे, प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो इस प्लांट को कटिंग से हम ग्रो कर सकते हैं और इसकी हम बात करेंगे तो इसकी साइड में भी नई नई प्लांट्स इसकी आते ही रहते हैं जिसे हम सेपरेट करके भी और भी बहुत सारे नया प्लांट्स हम बना सकते हैं। तो अभी हम इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो मेडिसिनल गुण के लिए विनका की ये दो वेराइटी इस्तेमाल की जाती है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से सारी नर्सरी में आसानी से मिल भी जाते हैं। तो सबसे पहले इनका इस्तेमाल की जाती है डायबिटीज़ पेशेंट के ऊपर। सबको पता है कि डायबिटीज़ कितना भयानक बीमारी है। यदि मधुमेह की वजह से आँखों की रोशनी चला जाए तो किडनी खराब हो जाए तो इनकी यूज जरूर करना चाहिए। इनकी 3 या 4 लीव्स को निकाल के उनको अच्छे से चबा के खा लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ऐसा 8 से 10 दिन तक ऐसा करोगे तो डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप इसे चबाकर नहीं खा सकते तो गर्म पानी में सदाबहार की फ्रेश फ्लावर्स को 5 मिनट तक भिगो कर रख दीजिए। उसके बाद इस फूलों को निकाल के सुबह खाली पेट पी लीजिए। ऐसा कुछ दिन तक करिए, बहुत ही फर्क पड़ेगा। 10 दिन के बाद अपनी शुगर लेवल को जाँच जरूर करिएगा। अगर आपकी शुगर लेवल नॉर्मल हो गई है तो 1 हफ्ता की गैप रख के फिर से 1 हफ्ता इनको जरूर ट्राई करिए। तो शुगर के लिए इनकी इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इनकी पर्पल वाले फ्लावर्स के ले सकते हैं और इनकी वाइट वाले फ्लावर को भी हम ले सकते हैं। जिनको भी पिंपल्स की परेशानी है तो सदाबहार की पत्तियों और इनकी फूलों को अच्छे से धो लीजिए और फिर उनको एक पेस्ट बनाकर उस पेस्ट को मुहासों के ऊपर दिन में 2 या 3 बार लगा लीजिए तो पिंपल्स बहुत ही जल्द सूखने लगेगी। इसमें बहुत सारी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। इनमें तो ये आपकी मुहासों की प्रॉब्लम्स को यानी अच्छे से और पिंपल्स को बहुत ही जल्द ठीक कर लेगा। इनके फूलों को सुबह खाली पेट खाने से हमारे जो बाल होता है वो बहुत ही दिनों तक काले रहता है। इनके फूलों को कुछ ऐसा गुण होता है इनके फूलों में जो बालों को ब्लैक रखता है बहुत दिनों तक। इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर लेता है और सदाबहार के फूल सुबह खाली पेट चबा लीजिए तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है ये विनका की फूल। तो हमारी जो विनका की प्लांट इनके पत्ते और इनके फूल को हम पेस्ट बनाकर खाएंगे तो हमारी जो स्किन है वो लंबे समय तक जवान रहेंगे। हमारी मोटापा को घटाने में भी हमारी विनका की फूल बहुत ही मददगार है। इसके फूल और पत्ते से चाय बना के भी हम पी सकते हैं और वो चाय अगर हम सुबह के टाइम पियेंगे तो मोटापा से हमें मिजाज मिलता है। हमारे कैंसर जैसे भयानक बीमारियों की रिमेडी के लिए भी इस विनका के प्लांट को इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे विनका की जो प्लांट होते हैं इनकी जो पत्ते होते हैं इनकी पत्ते में 2 प्रकार की अल्कोबाइट पाए जाते हैं जिनका नाम है विनक्रिस्टिंग एंड मीब्लास्टिंग जो कि कैंसर को ठीक करने में सहायक है।
इसलिए कैंसर के पेशेंट को इनके लीव्स को रस बना के इनके खाएंगे और इनकी चटनी बना के खाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और ये सुबह खाली पेट ही लेना। और भी बहुत सारे बीमारियों से ये प्लांट हमें मुक्ति दिलाएगा। तो मेरे चैनल में ऑलरेडी कुछ मेडिसिनल प्लांट के ऊपर वीडियोज हैं, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज के दिए गए जानकारी जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलते ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।